आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। मोदी ने कई और मुद्दे भी उठाए और कांग्रेस पर सीधा तंज कसा। इस दौरान उन्होंने रेल कोच फैक्ट्री के सहारे कांग्रेस की पिछली सरकार पर हमला बोला और इसे उसकी कार्यशैली और अक्षमता का प्रतीक करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ इशारों में राफेल मामले का जिक्र करते हुए कहा कि देश देख रहा है कि कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होने देना चाहती। यहाँ के नेता की भाषा पर पाकिस्तान में तालियां बजती हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रामचरितमानस की एक चौपाई के जरिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, रामचरितमानस में एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना, यानी कुछ लोग झूठी स्वीकार करते हैं, झूठी दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है, देश की रक्षा मंत्री भी झूठी हैं, भारतीय वायुसेना के अफसर भी झूठे हैं, फ्रांस की सरकार भी झूठी है, अब तो उन्हें देश के सर्वोच्च अदालत भी झूठी लगने लगी है। आज देश ये देख रहा है कि कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है, हमारे विरोधी उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते। ऐसे लोगों की कोशिशों को किन किन देशों से समर्थन मिल रहा है ये भी देश देख रहा है। क्या कारण है कि यहां ऐसी भाषा कुछ नेता बोल रहे हैं? तालियां पाकिस्तान में बजाई जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।